कटनी जिले के कुठला थाना अंतर्गत ग्राम बिलहवी चौकी में एक दबंग द्वारा गर्भवती महिला को लात मारने का मामला सामने आया। दरअसल ये मामला आपसी विवाद से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि वृद्ध श्याम कुमार यादव अपने घर पर बाहर बैठा था, तभी आपसी विवाद के चलते गांव के ही एक दबंग परमेश्वर यादव ने अपने 3 साथियों के साथ बुजुर्ग श्याम कुमार से मारपीट की। विवाद बढ़ने पर जब घर की महिलाएं सामने आई तो दबंग युवक परमेश्वर ने वृद्ध श्याम यादव की गर्भवती बहू के पेट पर सीधे लात मार दी, जिससे वो दर्द से कराहने लगी। साथ ही श्याम यादव के सर पर डंडे से हमला कर लहू लुहान कर दिया, जिन्हें गंभीर हालत में बिलहवी चौकी पुलिस द्वारा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। फिलहाल घायलों का इलाज जारी है। आपको बता दें कि घायल वृद्ध और गर्भवती महिला के साथ अमानवीय तरीके से मारपीट करने वाले पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही न होने से पीड़ित परिवार डरा सहमा नजर आ रहा है। ये दो परिवारों का आपस का पुराना विवाद है, बिलहरी चौकी अंतर्गत आता है और उसमें दोनों पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है, जिसमें FIR हुई है। थाना कुठला में उसमें FIR दर्ज की गई है और उनका प्रथम प्राथमिक रूप से उपचार कराया गया है। MLC में डॉक्टर महोदय द्वारा कुछ एडवाइस किए गए हैं और उन्हीं के आधार पर उसमें मेडिकल जो भी रिपोर्ट्स होंगी उनके आधार पर धाराओं का इजाफा होगा उसमें। जी हाँ, मामला सामने आया है और उनकी भी MLC कराई गई है और गायनोलॉजिस्ट जो हैं वो जैसी रिपोर्ट देंगे उस आधार पे आगे कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने मामला पूरा जांच में ले लिया। साहब, हमारे घर की पट्टी में नाती बैठा हुआ था, नाती को परमेश्वर लात मार दिया। नाती बोला क्यों मार दिए, तो बोलता है कि तुम रास्ता में गुड़ पसार के बैठते हो, तो कहा मैं तो गुड़ अपने अंदर किया हूँ, तुम वहाँ से निकल जा। इस समय तो गंदी गंदी गाली गलोच देने लगे, उसके घर के भी आ गए, हम लोग भी सुने कि क्या हुआ, बाहर निकले। इस समय उस लोग मारपीट करने लगे और बहुत मारा साहब। ये कौन लोग थे जो मारे? मारपीट परमेश्वर और से चंदन और मुन्ना यादव। क्या कोई पुराना विवाद था? कोई पुराना नहीं, ऐसा ही पुराना, उसके हमारे भतीजे को मारे रहे हैं ऐसे ही। तो फिर जब से हमारे उनकी नहीं कोई वो नहीं रहती।